नमस्कार, मैं मीना लुचानिया, केमिस्ट्री SPC यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट ऊष्मागतिकी प्रथम। आज हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, CP और CV में संबंध। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि CP क्या होता है और CV क्या होता है। CP होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड CV होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम डिनोट करते हैं CP और CV। CP इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमें रिलेशन प्रूव करना है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड के CP माइनस CV लेके चलते हैं और हमें प्रूव करना है ये R के बराबर होता है। CP की वैल्यू रखते हैं डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस CE की वैल्यू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सब जानते हैं कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में एक रिलेशन होता है जो इक्वेशन से दिया जाता है H इज इक्वल टू E प्लस PV, जहाँ H क्या है एंथैल्पी, E क्या है इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर और V वॉल्यूम, जैसा कि आप इक्वेशन सेकंड में देख पा रहे हैं। अब इक्वेशन सेकंड को हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर पर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस, क्योंकि यहाँ हम कांस्टेंट प्रेशर पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एज इट इज़ पी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को की जो वैल्यू है डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारी जो इक्वेशन हमें मिलती है वो इस तरह से है डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो हमें इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, तो हम इसका एक्सेक्ट डिफरेंशियल करते हैं DE इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम DT प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर DV। हमें ये ध्यान देना है कि किसी भी टर्म्स का जब हम एक्सेक्ट डिफरेंशियल करते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है इंटरनल एनर्जी है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, तो जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में होगा, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। इस तरह से हमें इक्वेशन फाइव मिलती है। अब इक्वेशन फाइव को डिवाइड करते हैं DT से एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो हमारी इक्वेशन होगी हम डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारी इक्वेशन आ गई सिक्स। अब इक्वेशन सिक्स को हम पुट करते हैं इक्वेशन फोर में। जो हमारे पास जो इक्वेशन थी
इसमें हम इक्वेशन को पुट करते हैं। तो हमारे पास जब पुट करते हैं तो जो इक्वेशन आती है वो आती है डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी प्लस डेल पी इनटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, दो टर्म है, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, तो यहाँ ये दोनों क्रॉस हो जाती हैं। तो जो हमारे पास अब इक्वेशन आएगी वो इस तरह से है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस प्रेशर इनटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो हमें इक्वेशन सेवन्थ मिलती है। अब हम सभी आइडल गैस इक्वेशन को जानते हैं, क्या होती है आइडल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब आइडियल गैस इक्वेशन है इसका कांस्टेंट प्रेशर पर, इक्वेशन एट को कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो इक्वेशन एट हो जाती है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर, क्योंकि जो टी है उसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो डी टी ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वन होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर अपॉन पी, जो हमारी नाइन्थ इक्वेशन। अब इस नाइन्थ इक्वेशन को की वैल्यू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हमें पुट करनी है इक्वेशन सेवन में। तो हमने इक्वेशन सेवन में जब ये वैल्यू पुट की तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी इनटू, अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो इनटू आर अपॉन पी, तो पी से पी क्रॉस हो गया। फॉर आइडियल गैस के इक्वेशन, आइडियल गैस के लिए जो डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वैल्यू होती है वो होती है ज़ीरो। तो इस इक्वेशन में ये वाली टर्म्स होगी ये ज़ीरो हो जाएगी, ये हो जाएगी ज़ीरो। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यही हमें प्रूफ करना था कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो आर की, आर है हमारा गैस कांस्टेंट, तो आर की जो वैल्यू होती है वो 1.987 कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन और जूल में होती है 8.3 जूल पर मोल इनटू केल्विन। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, जब हमें अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है कि सी पी और सी वी में क्या रिलेशन होता है, जब पूछा जाए तो इसका आंसर होगा कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। अगर लॉन्ग टर्म टाइप क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना होता है कि प्रूफ दैट सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला सी पी माइनस सी वी का रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का स्टडी करें।